नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। ऑल इन वन चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो है कि जो वन पीस शीट होती है फिटिंग करते वक्त जो पाइप लगाई जाती है वन पीस शीट के लिए उसमें दीवारों में और पाइप में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जी, हमने एक बैंड लगाया है वन पीस शीट के लिए और हमने जो दीवार से लेकर बैंड तक जो डिस्टेंस रखा है वो कम से कम हमने 10 इंची का रख लेना है जी। हमने 10 इंची का रखा है और जब आपका प्लस्तर आएगा और साथ में आपकी जो टाइल लगेगी उसका जो डिस्टेंस होगा वो 1 इंची बढ़ जाएगा, जिसके साथ आपकी जो नए 9 इंची वाली शीट होगी वो परफेक्ट आएगी। आपने जो इस साइड पर दीवार है इसका जो डिस्टेंस रखना है वो आपने 17 इंच या 18 इंच रख लेना है, तभी आपका शीट जो परफेक्ट फिटिंग होगा। और साथ में हमने ये पॉइंट रखा है, हमने इस दीवार से लेकर जहाँ तक हमने जी 32 इंच रखा है और साथ में जो इस तरह इधर से जो हमने डिस्टेंस रखा है इन जेट के लिए और जो हैंड जेट के लिए पॉइंट लगाते हैं उनका जो डिस्टेंस रखा है जो वो भी 32 इंच का है। इसी तरह से आप अपनी फिटिंग करते वक्त इतना डिस्टेंस रखें, आपका शीट वन पीस जो शीट होगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।